से आपको बता दें, जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, जबलपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर हैं। वहीं भंवरताल उद्यान में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माल्यार्पण किया है और कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर जन आभार यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल भी होंगे। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। जबलपुर आज दौरा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया है। और इसी के अलावा आपको बता दें, जन आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने। मूर्तिमान रूप से पूरे देश में चमकदार जिनका व्यक्तित्व है, ऐसी रानी दुर्गावती की नगरी में आकर मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूँ। उनकी स्मृति में उनकी जो 500वीं जन्म शताब्दी चल रही है, ऐसे में उनके विनम्र पराक्रम को प्रणाम करते हुए यहाँ मैं माननीय विनीत शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहा हूँ। और यही पास में वीरांगना अवंतीबाई, उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्यप्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए। तो आपको बता दें बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर आज जबलपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है और इसी के अलावा कानून व्यवस्था के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जबलपुर संभाग के विकास कार्यों के संबंध में संभागीय समीक्षा बैठक अभी जारी है।